नमस्कार जी 24 कलाक में आपनुं स्वागत छे। फटाफट खबरो साथे हूं छुं निधि। शुरुआत करे समाचार ने जोईए फटाफट अंदाज में। राजकोटना जसदणनी आल्फा होस्टेल में कोचिंग क्लास चलावता जाहिरनामा भंगनी फरियाद नोंधाई छे। 500 थी वधारे विद्यार्थीओने साथे राखीने चलावता हता कोचिंग क्लास, मामलतदारे पाड़ी हती रेड। गुजरात में कोरोनाना आंकड़ा छुपाववा माटे दर्दीओना केस पेपर नहीं आपवामां आवता होवानो आक्षेप। सिविल होस्पिटल में फाइल माटे अरजी करवानुं कहेवाय छे। सरकारी होस्पिटलों में दर्दीओना सगाने केस पेपर ने बदले मात्र डिस्चार्ज के डेथ कार्ड अपाय छे। सरकार पहले थी मोर्बिड और कोमोर्बिड ना कोठा हेठळ मृत्युआंक ओछो बतावा प्रयास करती होवानो आक्षेप। कोमोर्बिडिटी एटले के ब्लड प्रेशर, डायाबिटीज, हृदय, किडनी कैंसर नी पहले थी बीमारी होय अने मृत्यु थाय तो कोरोना थी थयेला मौत में गणातुं नथी। जो केस पेपर नी विगतो अपाय तो मोर्बिड और कोमोर्बिड ना खेल नी पोल खुली जाय। अमदावादनी एलजी होस्पिटलमांथी म्युकोरमाइकोसिसना इंजेक्शन मेळववामां मुश्केली। दर्दीओना सगाओनी लाइन लागी होस्पिटलनी बहार बोर्ड लगाववामां आव्यो छे के अहीं इंजेक्शननो जत्थो उपलब्ध नथी। सूत्रोए जणाव्यु छे के सरकार पासे इंजेक्शन होवा छतां होस्पिटल सुधी नथी पहोंची रह्या। म्युकोरमाइकोसिसनी सारवार माटेना इंजेक्शन ईमेल वगर नहीं मळे। खानगी होस्पिटलोए एलजी होस्पिटलने करवानो रहेशे ईमेल। दर्दीना परिवारजनोने पड़ेली हालाकी बाद अमदावाद महानगरपालिकानो निर्णय। वलसाड़ना दरियाकांठे अत्यार सुधी 7 मृतदेह मळी आव्या छे। 2 दिवस में वलसाड़ना अलग अलग किनारे थी मुंबईना डूबेल जहाजना क्रू मेंबरना मृतदेह मळी आव्या छे। लापता क्रू मेंबरोने शोधवा माटे हेलिकॉप्टरनी मदद मंगावाई। गुजरात में धोरण 12 परीक्षा अंगे चाली रही है चर्चा। वर्णात्मक के पछी एमसीक्यू के टूंका जवाब ने आधार परीक्षा लेवाई शके छे। अगाउ केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षण मंत्री की बैठक योजाई थी। हवे सीएम रूपाणी की अध्यक्षता में योजावनारी बैठक में लेवाशे निर्णय। गुजरात बोर्ड नवा सत्र थी 3-12 पुस्तकों में फेरफार थशे। नवा शैक्षणिक सत्र थी 18 विषय कुल 51 जेटला नवा पुस्तकों अभ्यासक्रम में दाखल थशे। आ पुस्तकों की प्रिंट पण थई चुकी छे। धोरण 3 में वाचन माळा, धोरण 4 में गुजराती प्रथम भाषा, धोरण 5 में गुजराती प्रथम भाषा, धोरण 7 में पर्यावरण अने धोरण 9 अने 12 में कम्प्यूटर अने धोरण 10 में सामाजिक विज्ञान पुस्तकों में फेरफार करवामां आव्या छे। आजथी गुजरातमां कोरोना रसीना डोजना 1,00,000 डोज आपवामां आवशे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए आरोग्य विभागने आप्या छे सूचन। अगाउ रोजना 30,000 डोज आपवामां आवता हता। राजकोटना 100 केन्द्र पर रोज 20,000 लोगोनुं रसीकरण थाय छे। नायब आरोग्य अधिकारी आप्युं छे निवेदन, कह्युं वधुमां वधु लोको रसी ले तेवो आरोग्य विभागनो एक्शन प्लान। राजकोटमां पानना गल्ला टी स्टॉलना मालिकोए समय वधारवानी मांग करी छे। बपोरना 12-3 दरमियान कोई ग्राहको न आवता धंधामां नुकसान। सांज सुधी छूट अपाय तेवी व्यापारीओनी मांग। सरकारे धंधो करवा माटे रातना 8 वाग्या सुधी मंजूरी आपी छे। कपड़ा अने पगरखाना व्यापारीओए जी 24 कलाक साथे वातचीत करी, कह्युं 3 वाग्या सुधी समय होवाथी ग्राहको नथी आवता। सूरतनी वात करीए, सूरतमां व्यापारीओए आंशिक छूटछाटनो समय वधारवानी मांग करी छे। व्यापारीओनुं कहेवुं छे के 9-3 वाग्या सुधीनो समय खूब ओछो छे। समय ओछो होवाથી व्यापारીઓની હાલત દયનીય। ભાવનગરના વેપારીઓએ સમયમાં વધારો કરવાની કરી છે માંગ। ગ્રાહકો ખરીદી માટે આવે ત્યારે દુકાનો બંધ કરવાનો સમય થતા વેપારીઓને મોટું નુકસાન। કોરોના કાળમાં ધંધા ભાંગી પડ્યા છે। આંશિક છૂટછાટનો સમય વધારવા માટે બનાસકાંઠાના પાલનપુરના વેપારીઓએ માંગ કરી છે। બપોરના 3 વાગ્યાને બદલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી છૂટ આપવા માટે માંગ કરાઈ। ગામડાઓમાં બપોર બાદ જ ગ્રાહકો આવતા હોવાથી માંગ। सरकार सांजना 7 वाग्या सुधी छूट आपे तेवी महेसाणाना वेपारीओए मांग करी। सवारे 9-3 वाग्या सुधी ज छूट अपाता वेपारीओने भारे नुकसान। अरवलीना 3 शहेरमां आंशिक छूटछाटना समयमां वधारो करवानी धंधार्थीओनी मांग। 9-3 वाग्या सुधी दुकानो खुल्ली राखवानी परवानगी अपाता वेपारीओने नुकसान। પંચમહાલના ગોધરામાં લગ્નના વરઘોડાનો વિડિયો થયો છે વાયરલ। માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના વરઘોડામાં ધજાગરા ઉડ્યા, ડીજીના તાલે કોરોનાને ભૂલી ઝૂમ્યા લોકો।
धन्वंतरी कोविड होस्पिटल तबीबों कोविड स्पेशियालिटी सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर तबीबों ने आईसीयू और इमरजेंसी सेवा की तालीम अपाशे। तालीम अंते गुजरात यूनिवर्सिटी तरफ से सर्टिफिकेट आप। कोरोना की तीजी लहर की आशंका वच्चे भारत बायोटेक जून महीना थी बाळकों पर रसी ट्रायल करशे। कोवैक्सिन नो बाळकों पर आवता महीना थी ट्रायल शुरू कराशे। भारत बायोटेक ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ थी 2-18 वर्ष उम्र बाळकों में क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी आपी देवामां आवी छे। देश में कोरोना केसों में घटाड़ो नोधायो छे, छतां कोरोना मृत्युआंक में सतत वधारो नोधाई रह्यो छे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में 31 मे सुधी लॉकडाउन वधारवामां आव्युं। बीजी बाजु कोरोना ने ब्लेक फंगस केस ने जोता राजस्थान में 8 जून सुधी लॉकडाउन लंबावी देवामां आव्युं छे। कोरोना महामारी वच्चे दिल्ली में लॉकडाउन यथावत छे। दिल्ली में 31 मे सुधी लॉकडाउन लंबावामां आव्यो छे, त्यारे दिल्ली रस्ताओ पर एकदम शांति छवायेली जोवा मळी। दिल्ली में 8 एप्रिल थी लॉकडाउन लागू करवामां आव्यो छे। तमिलनाडु में लॉकडाउन होवाथी एक युवके हवा में लग्न कर्या। नियमों थी बचवा माटे युवके मदुराई में युवान युगले हवा में लग्न कर्या। फ्लाइट में वरराजाए दुल्हन ने मंगल सूत्र पहेराव्यू, हवा में ज लग्न करी लीधा। लग्न में 160 लोगों ने हाजरी आपी थी, गाइडलाइन नु पालन नहतु थयु। विमान में लग्न करवा माटेनी मंजूरी नहती। एयरपोर्ट ऑथोरिटी आ लग्न ने पगले एयरलाइंस पासे थी जवाब मांग्यो छे। कलेक्टरे पण तपासना आदेश आप्या छे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति मामले अनेक सवालों छे, त्यारे हाल एक रिपोर्ट में मोटो खुलासो थयो छे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावो करवामां आव्यो छे कि दुनियाभर में कोरोना वायरस फैलायो तेना एक महीना पहला वुहान लैब नो स्टाफ बीमार पड्यो हतो। वुहान लैब ना 3 संशोधन करता बीमार पड्या हता। आ रिपोर्ट सामे आव्या बाद कोरोना उत्पत्ति मामले फरी एक वार तपास थई शके छे। हाल चाली रहेली कोरोना की महामारी कुदरती छे कि पछी वायरस ने लैब में बनावामां आव्यो छे ते मोटो सवाल। आ मामले चर्चा में रहेला अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउचीए मोटू निवेदन आप्यो छे। फाउचीए कह्यू कि कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी छे, स्वीकारवू आसान नथी। ए कोरोना कुदरती वायरस छे, तेना पर तपास थवी जोईए। हवे मोजा सूंघीने खबर पड़शे कि तमे कोरोना संक्रमित छो कि नहीं। श्वान पर थयेला नवा रिसर्च में खुलासो थयो। ब्रिटिश वैज्ञानिके कह्यू छे कि सार्स कोव 2 वायरस थी संक्रमित लोकोए पहरेला मोजा प्रशिक्षित श्वान ने सूंघाड़वा जोईए अने ते पछी श्वान ने एक्सपर्ट पर तपास माटे मुकवा जोईए, जेथी आ श्वान मोजा सूंघीने कही देशे कि आ व्यक्ति ने कोरोना छे कि नहीं। अत्यार सुधी में 7 लाख गुजराती कोरोना ने हराव्यो छे। गुजरात में 46 दिवस पछी नवा केस 4000 थी नीचे आव्या छे। राज्य में एक्टिव केस 75000, रिकवरी रेट 90% नजीक पहुंचो छे। गुजरात में 15 जिल्ला ना कोरोना थी एक पण नवो मृत्यु नथी नोंधायो। देश में कोरोना महामारी की बीजी लहर प्रकोप यथावत छे। छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 2.22 लाख थी वधारे दर्दियों नोंधाया छे, ज्यारे 4454 जिल्ला कोरोनाग्रस्त दर्दियों मृत्यु थया। आ साथे कोरोना नो कुल मृत्युआंक 3.03 लाख नी नजीक पहुंच्यो। गुजरात में कोरोना ना केस 2,67,00,000 ने पार थया छे। अत्यार सुधी में कोरोना थी देश में 3,03,000 थी वधु दर्दियों जीव गुमाव्यो छे। आ साथे अत्यार सुधी में कुल 2,37,00,000 थी वधु दर्दियों स्वस्थ थया। विश्व में कोरोना ना कुल केसों की संख्या 16,75,00,000 ने पार थई छे, जेमां अत्यार सुधी में 34,78,000 थी वधु दर्दियों मृत्यु थया। अत्यार सुधी में 14,85,00,000 थी वधु दर्दियों कोरोना सामे स्वस्थ थया। सूरत में स्मीमेर सिविल में म्यूकर माइकोसिस ना वधारे 17 दर्दियों दाखल थया छे। म्यूकर माइकोसिस ना एक दर्दी नुं मृत्यु थयुं। सरकारी खानगी होस्पिटल में 567 दर्दियों सारवार हेठळ छे। सिविल स्मीमेर में प्रति 1000 दर्दियों सामे 480 इन्फेक्शन इंजेक्शन फाड़वामां आव्या छे। खानगी होस्पिटल में 1000 दर्दियों सामे 86 इंजेक्शन आपवामां आव्या छे। अमदावाद सिविल कैम्पस में म्यूकोर माइकोसिस दर्दी वध्या छे। एम्फोटेरिसिन बे इंजेक्शन न मळता दर्दी ने हाल बेहाल थया छे। इंजेक्शन ने योग्य व्यवस्था करवा माटे मांग कराई।
વડોદરામાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના નવા 70 દર્દીઓ, કુલ દર્દીઓની સંખ્યા 244 થઈ છે. એસએસજી હોસ્પિટલમાં 185 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. ગોત્રી જીએમઈ આરએસ હોસ્પિટલમાં 59 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ, 33 દર્દીઓની બાયોપ્સી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી ગોત્રીમાં 5 દર્દીઓના મોત થઈ ચૂક્યા છે. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ 3 દર્દીઓ મ્યુકોરમાઇકોસિસને હરાવ્યો છે. 3 મહિલા દર્દીએ મ્યુકોરમાઇકોસિસને આપી છે માત. કોરોના બાદ થયો તો મ્યુકોરમાઇકોસિસ. બે પ્રકારની આયુર્વેદિક સપ્લિમેન્ટરીથી બ્લેક ફંગસનો જળ મૂળમાંથી થશે ઇલાજ. બનાસકાંઠાની દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના પશુ ચિકિત્સક પ્રોફેસર ભરતસિંહ ચંદેલનો દાવો. કેબિનેટ બેઠક બાદ ખેડૂતોને મળી શકે છે રાહત. કૃષિ પાકોને નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણતાના આદેશ. સર્વે બાદ મુખ્યમંત્રીએ રાહત પેકેજ આપવાની કરી હતી જાહેરાત. બુધવારની કેબિનેટમાં લેવાશે આખરી નિર્ણય. રાજકોટના ઉપલેટાનું માર્કેટયાર્ડ આજથી ફરી ધમધમતું થયું છે. માર્કેટયાર્ડમાં ઘઉં, જીરું, એરંડા સહિતના પાકની આવક, યાર્ડ તરફથી વેપારી અને ખેડૂતોને માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. અરવલ્લી જિલ્લામાં ટેકાના ભાવે ઘઉંની ખરીદી શરૂ. જિલ્લાના કેન્દ્રો પર 5-5 ખેડૂતોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા ખરીદી મોકૂફ રખાઈ હતી. ભાવનગર જિલ્લાના તમામ માર્કેટયાર્ડ આજથી ફરી ધમધમતા થયા છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જણસી લઈને પહોંચ્યા. પાકમાં સારો ભાવ મળે તેવી ખેડૂતોને આશા. તાવતી વાવાઝોડાથી ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં 60-70 ટન લીંબુ બગડી ગયા છે. નિકાસ બંધ હોવાથી માર્કેટયાર્ડમાં પડી રહેલા લીંબુ બગડતા વેપારી અને ખેડૂતોને ભારે નુકસાન. બંગાળમાં યાસ નામના વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. વાવાઝોડાના ખતરાને જોતા ભારતીય રેલવે વિભાગે 24મી મે થી 29મી મે સુધી ટ્રેન રદ કરી છે. વાવાઝોડાને પગલે 25 જેટલી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. બંગાળની ખાડીમાં આજે પહોંચશે યાસ વાવાઝોડું. બંગાળ પર ત્રાટકનારા યાસ વાવાઝોડા અંગે હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી અનુસાર 155-165 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આગાહી અનુસાર 26મીના રોજ સાંજના સમયે 185 કિલોમીટરની ઝડપે વાવાઝોડું પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર ઓડિશાના તટીય વિસ્તારોમાં ત્રાટકશે. તાવતી બાદ હવે બંગાળની ખાડી પર 155-165 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધતા યાસ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા માટે સેનાએ યુદ્ધના ધોરણે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. નૌસેનાએ 4 જંગી જહાજ, હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યા. આ સિવાય વાયુસેનાના 11 વિમાન અને ચિત્તા ચેતક MI-17 ડેવા 25 હેલિકોપ્ટરની તૈનાતી કરવામાં આવી છે. 3 કૃષિ કાયદાઓ સામે ખેડૂતોના વિરોધ પ્રદર્શનના 26મી મેના રોજ 6 મહિના પૂરા થશે. આ 26મી મે કિસાન સંગઠન કાળો દિવસ તરીકે મનાવશે. કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી દળોએ પણ ખેડૂત સંગઠન માટે સમર્થન જાહેર કર્યું છે. 3 કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ ખેડૂતોએ કરી રહ્યા છે વિરોધ. આજે સીબીઆઈ પ્રમુખની પસંદગી માટેની કવાયત હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાનારી બેઠકમાં નવા સીબીઆઈ પ્રમુખના નામની ચર્ચા કરવામાં આવશે. મળેલી માહિતી અનુસાર અંતરિમ સીબીઆઈ, બીએસએફ અને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ રાકેશ અસ્થાના અને એનઆઈએ પ્રમુખ વાયસી મોદી પણ સામેલ છે. ચારે તરફ નિંદા બાદ એલોપેથી પર આપેલા નિવેદન મામલે રામદેવે માફી માંગી છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને યોગ ગુરુ બાબા રામદેવને પત્ર લખીને આ વિવાદિત નિવેદન પાછું લેવા માટે માંગ કરી. ત્યારે રામદેવે ડોક્ટર હર્ષવર્ધનને લખીને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે આયુર્વેદનું પણ થવું જોઈએ સન્માન. સાથે જ એલોપેથી અને આયુર્વેદની તુલના કરી છે. વર્ષ 2021નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ 26મી મેના રોજ બુધવારના રોજ થશે. આ દિવસે બુદ્ધ પૂર્ણિમા પણ છે, જો કે આ ચંદ્રગ્રહણ નહીં પણ પેનુંબા ચંદ્રગ્રહણ છે, એટલે કે તે પૃથ્વીની અમુક જ ભાગોમાં દેખાશે. આ ચંદ્રગ્રહણનો કોઈ ધાર્મિક પ્રભાવ નથી મનાતો. 26મી મેના રોજ બપોરે 2:17 વાગ્યાથી સાંજે 7:19 વચ્ચે ચંદ્રગ્રહણ દેખાશે. ભારતનું મિશન વેક્સિન મામલે અમેરિકા પહોંચ્યા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર 5 દિવસના પ્રવાસે અમેરિકામાં પહોંચ્યા છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન ન્યૂયોર્કમાં બાઇડન પ્રશાસનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કોરોના સંબંધિત સહયોગની ચર્ચા કરશે.
अमेरिका में फायरिंग की बे घटना सामने आई है। पहली घटना न्यू जर्सी में फेयरफील्ड टाउनशिप में थई, जहां एक घर में पार्टी चाली रही थी। आ पार्टी में थयेला फायरिंग में बे लोगोना मौत थया छे, जारे के बार लोग इजाग्रस्त थया छे। अन्य घटना ओहायो ना यंगस्टाउन नी छे, जहां एक बार में आ घटना घटी, त्रण लोगोना मौत निपजा। चीनना गांसु प्रांत बेन शहर में माउंटेन मैराथन दरमियान 21 लोगों का मौत निपजा है। अचानक हवामान बदलाई जता 3000 फूट ने ऊंचाई पर पवन और हिमवर्षा कारण अचानक तापमान घट्यू, जेना कारण 21 लोग जीव गुमाव्यो। आ रेस में सामेल 172 में 151 लोगों ने रेस्क्यू करवामां आव्या। इटली में एक केबल कार दुर्घटना में 12 लोगों का मौत निपजा है। आ दुर्घटना में 9 लोग इजाग्रस्त थया होवानी जानकारी सामे आवी, जेमांथी 2 बाळको पण शामिल छे। रिसोर्ट माटे प्रख्यात शहर स्ट्रेसा में केबल कार क्रेश थता आ दुर्घटना घटी। अमदावादनी एलजी हॉस्पिटल में सफाई कामदारों होबाड़ू, वर्ग 4 कर्मचारी ने समयसर सारवार न मळता मृत्यु थयानो आरोप, कर्मचारी हार्ट अटैक थी थयुं मृत्यु। समग्र देश ने हचमचावी देनार तक्षशिला आकांड ने आज 2 वर्ष पूर्ण थया छे। आकांड में 22 निर्दोष विद्यार्थियों मृत्यु थया था। आकांड में आरोपियों सामे नथी कोई चार्ज फ्रेम थयो। 14 मांथी 9 आरोपी जामीन पर मुक्त थई गया छे। ट्रायल शुरू थता ज हजू आग लागी शके छे महिनाओ। आ कांड में तक्षशिला आर्किड ना चौथा माड़े सड़गी जवाथी 16 विद्यार्थियों मौत निपजा था। त्यां 6 लोग चौथा माड़ी थी कूदवाना कारणे मौत ने भेटिया था। आम समग्र घटना में 22 मासूमों जीव गया था। राजकोटना धोराजी जूनागढ़ रोड पर बाइक और ट्रक वच्चे अकस्मात सर्जायो। अकस्मात में 3 लोगों घटनास्थले मृत्यु थया। पोलीसे गुनो नोंधीने तपास हाथ धरी। खेड़ाना नड़ियाद पासे ट्रक और आइसर वच्चे सर्जायो अकस्मात। अकस्मात में 1 मृत्यु थयुं छे, 2 व्यक्ति ने इजा पहुंची छे, जाग्रस्तो सारवार हेठळ। गीर सोमनाथ ना नवा बंदर जूथ अथड़ामण और पुलिस पर हुमला ने पगले पीएसआई केतन परमारे नोंधावी छे फरियाद। 49 आरोपियों नाम सहित 1500 થી 2000 टोड़ा विरुद्ध गुनो दाखिल। दाहोदा सुजीए वरमखेड़ा गामे थी देशी बनावट ने बंदूक झड़पी पाड़ी छे। राजू नामना आरोपी ने बातमी ना आधारे धरपकड़ कराई। 40,000 थी वधुनो मुद्दा माल जप्त करवामां आव्यो। अमदावाद में व्हेल माछली एम्बरग्रीस झड़पावा मामले अन्य 4 आरोपी की संडोवणी आई है सामे। जूनागढ़ गफारभाई अंसारी पास थी लावामां आवी हती एम्बरग्रीस। गफारभाई करे छे एंटीक वस्तुओं खरीद वेचाण। गुनाना अन्य आरोपियों की पोलीसे शोधखोळ हाथ धरी। पाटण एलसीबीए हारीजना भलाणा गाम की सीम में विदेशी दारू झड़पियों से। पुलिस 900 થી વધારે विदेशी दारू की बॉटल कब्जे कर 73,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ कब्जे કર્યો છે। वडोदरा सोखड़ा स्थित मिर्सापुरा गाम में फार्म हाउस में चलती दारू चिकन की पार्टी पर पुलिस रेड करी। पुलिस 8 नबीराओं ने पीधेली हालत में झड़पी पड़ा। पुलिस दारू की बॉटल मोबाइल कार कब्जे कर वधु तपास हाथ धरी। वडोदरा पादरा वडू पुलिस स्टेशन नो प्रोहिबिशन ना गुनानो आरोपी फरार थयो छे। सरकारी हॉस्पिटल ना बाथरूम नी बारी तोड़ी ने आरोपी फरार थयो। आरोपी ने करायो क्वारंटाइन। अरवली ना भिलोड़ा मा पुलिस पर हुमला मुद्दे कॉम्बिंग हाथ धरवामां आव्यो छे। पत्थरमारो करनार आरोपी ने पकड़वा माटे पुलिसे कवायत हाथ धरी। पंचमहाल ना हालोल मा बाइक नी चोरी करता तस्करो सीसीटीवी मा कैद थया छे। हालोल नी तुलसीविला सोसायटी माथी बाइक नी चोरी करी। हालोल पुलिस स्टेशन में नोधाई फरियाद।